एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग. दिस इज ट्यूसडे एंड आज स्कूल बंद था तो मैं थोड़ा सा लेट से उठी. थोड़ा मतलब सो लिया ज़्यादा टाइम तक. उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह बना के ढेर सारा कपड़ा धोना था मुझे, वो भी मैंने कर लिया है. अभी गुड्डू फिर से मुझे कॉल किया क्योंकि मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है. पिछले महीने से मैं कितना बार डॉक्टर दिखा चुकी हूँ, आई डोंट नो, बट अभी कुछ नया प्रॉब्लम है. मतलब मेरा पैर में थोड़ा सा रैशेस जैसा हो गया है. इट्स नॉट दैट सीरियस बट इट्स बेटर आई गो फॉर अ चेकअप, मतलब ज़्यादा होने के पहले. सो या वी विल गो नाउ. अभी थोड़ा सा वो फ्री है तो जाके आते हैं. तो गाइस मैं जा रही हूँ डॉक्टर मोनाली को दिखाने, जो कि त्रिवेणी के सामने बैठता है. सो या लेट्स गो. डॉक्टर के पास जा रही हो तो मास्क लगा के जा रही हो गाइस. एटीएम से पैसा उठा लेते हैं पहले गाइस. यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिलते हैं. ये बाइक कितना छोटा सा है. मुझे ना हमेशा डॉक्टर के पास जाने में डर लगता है, बट आज नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे पता है मतलब इंजेक्शन वगैरह सब नहीं लगने वाला है. डॉक्टर दिखाना हो गया है गाइस. पेशेंट हम लोग बहुत जल्दी आ गए तो इसीलिए सेकंड नंबर में ही दिखा दिया. कुछ दवाई दिया है, दो एक लोशन दिया है, एक लिक्विड लोशन दिया है और एक दवाई खाने के लिए बस. घर आ गई हूँ गाइस एंड अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है. मैं बस जाने के पहले मैं बस कपड़ा धो के गई थी, वो भी ढेर सारा कपड़ा. छत पे भी डाल दिया है, पूरा छत भर गया मतलब एकदम मेरा रस्सी. एंड अभी घर साफ़ सफाई करना बाकी है, झाड़ू पोछा सब कुछ बाकी है. संडे को मैं घर साफ़ सफाई नहीं की थी क्योंकि टाइम नहीं होता, मैं बताई थी अपना व्लॉग में. तो आज स्कूल बंद है तो आज करना पड़ेगा. फिर ये सब करने के बाद नहा के खाना भी बनाना है, कुछ नहीं बनाया मैंने. और स्कूल का भी वीडियो एडिट करना है क्योंकि कल स्कूल खुल जाएगा तो टीचर्स डे वाला व्लॉग मतलब टीचर्स डे वाला वीडियो कल अपलोड हो जाएगा अगर मैं दे देती हूँ तो. अगर क्या देना ही पड़ेगा तो आज मुझे वो भी एडिट करना है. सो या लेट्स गेट इन टू वर्क फर्स्ट. मुझे नींद आ रहा है लेकिन नहाना हो गया है गाइस एंड अभी 2 बज रहे हैं. गुड्डू को शायद भूख भी लग गया होगा लेकिन मैं फ़ोन करके बता दी हूँ कि लेट से आना, 3 बजे के बाद आना, बिकॉज मेरा खाना बनाना हुआ नहीं है एंड आज बहुत काम किया मैंने. तो अभी मैं बनाऊँगी मोचा. एक्चुअली बनाना फ्लावर है ये, तो बंगाली में इसे मोचा बोलते हैं, असमीज में कौलडिल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता गाइस. इफ़ यू नो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. तो ये कैसे छीलता है इसको, फिर क्या फेंकना पड़ता है, क्या बनाना पड़ता है, मैं अपना रेसिपी आप लोग को दिखाऊंगी आज. सो या प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो. सो गाइस एक साइड में दाल और एक साइड में चावल बिठा दिया है. दाल मेरा उबल रहा है, मसूर दाल बना रही हूँ मैं आज. इग्नोर दिस ओके. इससे मतलब मैं हाथ पोछती हूँ जब भी मैं खाना बनाती हूँ, ना मतलब हाथ भीग जाता है तो मुझे मतलब कुछ कुछ होते रहता है. तो इसीलिए ये हमेशा मतलब मैं किचन में आती हूँ तो मेरे यहाँ पे रहता है. तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कॉल डिल को कैसे छीलना है, मतलब मोचा मतलब बनाना फ्लावर को कैसे छीलना है. दिस इज द बनाना फ्लावर सीड, इज सो बिग, मतलब इतना साइज का है ये. ये 100 रुपये लिया है गाइस एंड ये है भीम कॉल का. सब कॉल का नहीं खा सकते, मतलब सब बनाना फ्लावर हम लोग नहीं खा सकते, मतलब कड़वा होता है. मुझे नहीं पता कौन सा खा सकते, बट भीम कॉल का खा सकते हैं, ये अच्छा होता है. सो मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसको कैसे छीलना है. पहले तो आपको एक एक करके ऐसे निकालना पड़ेगा एंड मैं इसको लाई थी आपका संडे को, इसलिए थोड़ा सा काला काला हो गया है. तो आप जैसे ही लाते हो वैसे ही मतलब खा लेना चाहिए. तो ये ऐसे करके निकाल देना है, यही चाहिए हमें. फिर ऐसे छिलना है, इसको निकाल देना है, ऐसे छिलना है, इसको निकाल देना है. मतलब इससे बहुत आयरन होता है बोलते हैं, इट्स वेरी हेल्दी. 150 रुपये मांग रहा था इसका, लेकिन फिर मैं बार्गेनिंग वगैरह करके 100 रुपये में लेके आई एंड ये अच्छा वाला है. आपको हाथ में पकड़ के जब ऐसा थोड़ा सा बालू बालू जैसा लगेगा तो आप
आप मतलब समझ सकते हो कि वो भीम कॉल का है। मैं भी वैसे अच्छे से नहीं पहचानती, बट ये ऐसे पकड़ के ऐसे फ्लावर को निकाल लेना है। गाइस मैं आपको दिखाऊंगी अभी इसे छिलना कैसे है। इसे ऐसे पकड़ना है, यहाँ पे एक वाइट कलर का ये होता है, इसे ऐसे करके खींच देना है और ये भी निकल जाएगा। ये वाइट कलर का थोड़ा सा हार्ड वाला होता है ये वाला, इसके साथ में ये भी निकालना है। हर एक से ऐसे निकालना पड़ेगा हमें। तो इसका हो गया, फिर इसका ये देखिए, इसको जब खींचेंगे ना तो ये भी निकल जाएगा ऐसे। फिर इसका भी है, देखिए ये वाला खींचने से ये भी निकल जाएगा साथ में। तो इसे ऐसे खींच देना है। सो सारा निकालूंगी मैं। इसे कैसे पकड़ा, इसे खींचा, ये निकल गया, इसे खींच के फेंक दिया, फिर ऐसे पकड़ी, फिर इसे खींचा फेंक दिया, फिर ऐसे खींचा, इसे खींचा, गिरा फेंक दिया। इसे छिलते छिलते जब इतना हो जाएगा, ये छोटा वाला हिस्सा निकल आएगा, तो कोई कोई लोग इसे पूरा ऐसे चॉप करके काट के डाल देते हैं, लेकिन मैं इसे इतना तक काट के रख दूंगी। इसका मैं दूसरा चीज़ बनाऊंगी, लेकिन आज नहीं, जब बनाऊंगी आप लोग को मेरे ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। अभी पहले सारा का मैं साफ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कटिंग दिखाऊंगी। मतलब चॉप ही करना है छोटा छोटा पीसेस में। आप चाहो तो फसूल से भी काट सकते हो, या फिर चाकू से, कंफर्टेबल हो तो चाकू से। ठीक है गाइस, इतना सारा निकला है एंड सारा छिलना हो गया, इसके अंदर से फेंकना हो गया, ये सब फेंका है इसके अंदर से, ये सारा जबड़ा फेंक देना है, बस यही खाना है। ऐसे थोड़ा सा धोऊंगी अच्छे से एंड उसके बाद इसे चॉप करूंगी। ऐसे हमें बारीकी से काट लेना है इन सबको भी। मेरे पास चॉपिंग बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं थाली को उल्टा कर लिया है, क्योंकि मैं ज़्यादातर फसूल से काटती हूँ। एंड अभी इसको ऐसे काटने के बाद हमें इसमें नमक मिलाना है। पहले मैं सारा काट लेती हूँ। तो ऐसे काटने के बाद गाइस, एकदम बारीकी से काटने के बाद इसमें हम लोग नमक मिक्स करेंगे अच्छे से एंड इससे पानी छोड़ने के लिए रख देंगे थोड़ा टाइम, और तब तक मैं आलू काट लेती हूँ इसके लिए। तो आलू काटना हो गया है, कढ़ाई में तेल भी गर्म हो गया है, जाएगा तेज़पत्ता और जीरा के बाद जाएगा आलू। आलू को हमें फ्राई करना है हल्दी और नमक डाल के। हमारा आलू फ्राई हो रहा था तब तक मैंने मसाला पीस लिया। इसमें है अदरक, थोड़ा सा जीरा, धनिया और मिर्ची, तो ये हमें डाल देना है। थोड़ा सा फ्राई होने देंगे मसाले को बस, उसके बाद हम लोग कटे हुए जो बनाना फ्लावर है वो डाल देंगे। इसको पानी निचोड़ लेना है इसका, इससे बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा। ये देखिए, ऐसे पानी निचोड़ के साइड कर लेना है। इसको डाल देंगे, इसमें और नमक नहीं मिलाना है गाइस, क्योंकि पहले भी नमक डाल चुके हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। वंस यू टेस्ट इट देन आपके हिसाब से आप बाद में मिला सकते हो। इसमें अभी थोड़ा सा पानी डाल दिया है, अभी इसको ढक के रख देंगे थोड़ा टाइम के लिए, ताकि आलू भी बॉयल हो जाए। फिर थोड़े टाइम बाद हमें उठा के देखना है। एंड पानी ऑलमोस्ट सूख गया है, आलू को देखना है बॉयल हो गया है कि नहीं। जब देखेंगे कि आलू बॉयल हो जाएगा तो आलू को थोड़ा सा ऐसे मैश कर देना है ऐसे ऐसे करके। एंड अभी हम लोग डालेंगे थोड़ा सा चीनी, एक चम्मच करीब। तो हमारा बनाना फ्लावर का सब्जी यानी कि मोचा इज ऑलमोस्ट रेडी, बस वन लास्ट स्टेप इज लेफ्ट। लास्ट में हमें डालना है घी थोड़ा सा, एंड क्या खुशबू है गाइस। ये सब्जी इट्स प्योरली वेज एंड इट्स वेरी हेल्दी एंड वेरी टेस्टी। बस इट्स डन।
बहुत भूख लगा हुआ है गाइस, गुड्डू भी आ गया है, वी विल जस्ट ईट नाउ। आप इसे राइस के साथ खा सकते हो और दाल भी बना के खा सकते हो, मतलब राइस दाल एंड मोचा। गुड्डू बताएगा कैसा लग रहा है खाना बनाने में। हाउ इज इट? तुम्हें तो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा चीज है। अच्छा? सच में? खाना वाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा सो गई थी एंड उसके बाद ट्यूशन आ गया था, मतलब मैं पहले ट्यूशन कराई फिर मैं सोई। एंड जैसे कि मतलब एक दिन ही छुट्टी मिलता है तो एक दिन में सारा काम कर लेती हूँ, पूरा बॉडी दुख रहा है गाइस। तो अभी 8:30 बज रहे, 8:30 नहीं 9:30 बज रहे। उसके पहले मैं थोड़ा सा वेब सीरीज़ देखी एंड थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो गई मैं पुरानी बातें सोच के। एनीवेज खैर वो सब रहने देते। कुछ टाइम तक लाइट ऑफ करके रूम में बैठी थी, स्पेंडिंग टाइम विथ माई सेल्फ, जस्ट मी एंड माई फोन ऑल्सो वॉज ए साइड। एनी वे मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, मुझे व्लॉग एंड करना था। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक द रेसिपी। इफ यू डिड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, आई विल बी बैक विद अ न्यू व्लॉग। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड